मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इस संकट के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक जिम्मेदार नेता के रूप में सामने आए हैं। जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे राज्य को संबोधित करते हैं और जो अल्फाज उद्धव ठाकरे बोलते हैं, वाकई ऐसा लगता है कि ये अल्फाज उनके दिल से निकल रही हो और यही बात जनता को बेहद पसंद भी आ रही है। एक बात आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि सरकार नहीं चल पाएगी, मगर वहीं सीएम उद्धव ठाकरे लोगों के पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहे हैं। कोई भी नेता अगर कभी भी भाषण देता है या फिर संबोधित करता है तो उसके शब्दों में कहीं ना कहीं राजनीति ज़रूर छुपी होती है, मगर उद्धव ठाकरे ने जब कभी भी लोगों को संबोधित किया है, उनके संबोधन को लोगों ने काफ़ी सराहा है, क्योंकि उनका जो संबोधन होता था वो बिना किसी राजनीति के होता था और यही बात है कि जो लोग उद्धव ठाकरे को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में यूपी बिहार के मजदूर महाराष्ट्र में काफ़ी फंसे हुए हैं और उद्धव सरकार उनकी मदद भी कर रही है। इसी तरह से सोशल मीडिया में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बिहार के भोजपुर बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के विधायक सरोज यादव की बातचीत का ऑडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है। विधायक सरोज यादव सीएम उद्धव ठाकरे से मुंबई और ठाणे जिले में फंसे बिहारी मजदूरों की मदद की मांग कर रहे हैं और सीएम उद्धव ठाकरे इन्हें भी बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में विधायक की बात सुन रहे हैं और उन्हें मजदूरों तक मदद पहुंचाने का भरोसा भी दिला रहे हैं। यहां तक कि सीएम उद्धव ठाकरे उन मजदूरों का पता खुद नोट करते हैं। हालांकि पहले उन्होंने ये कहा कि ऑपरेटर को फ़ोन देता हूँ, मगर उसके बाद एक मुख्यमंत्री मजदूरों का पता खुद नोट करते हैं और उनके मोबाइल नंबर भी लेते हैं। हालांकि पता बताते वक्त आरजेडी विधायक पता बताने में भूल जाते हैं, मगर फिर सीएम उद्धव ठाकरे उस जगह का नाम खुद बताकर पता कंफर्म कर लेते हैं। अब सोचिए कि जो सीएम अपने राज्य में रहने वाले हर इंसान की इतनी फिक्र करता हो, लोग उन्हें पसंद क्यों नहीं करेंगे और करना भी चाहिए। और खबर ये भी है कि उन मजदूरों तक सीएम के तरफ से मदद भी पहुंची है, मगर वहीं सबका साथ सबका विकास के नारे लगाने वाले सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं और महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने इस कोरोना संकट में ये साबित कर दिया है सबका साथ देकर कि वो सबके साथ हैं और यही वजह है कि जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे लोगों में काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। सुनिए ये ऑडियो जो काफ़ी वायरल हो रहा है, बिहार के विधायक सरोज यादव और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की बातचीत। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। सीएम साहब बोल रहे हैं? हाँ उद्धव बोल रहा हूँ। हाँ जी जी सर, मैं एमएलए बोल रहा हूँ, सरोज यादव आरजेडी के एमएलए हैं सर, बिहार पटना से। बोलिए बोलिए सर। मेरे यहाँ के कुछ लेबर आपके यहाँ दो तीन जगह फंस गए हैं, उन लोगों को खाने का भी पैसा नहीं है सर। नहीं आप चिंता मत करो, जगह बोल दो जी सर। तो जगह एड्रेस इनसे लिखवा दे सर पूरे। एक काम करता हूँ, मैं वापस फोन मेरे ऑपरेटर के पास देता हूँ। जी जी। अगर किसी एक व्यक्ति का वहाँ से नाम और नंबर आप दे सकते हो। जी जी। तो अभी अभी देखिए सरोज जी, ऐसा है जी, ये सबके लिए एक जिम्मेदारी की भी बात है। जी जी जी। और एक बड़ा एक प्रश्न भी है। तो आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र में कम से कम 87,000 लोगों की हमने खान पान की व्यवस्था की गई है। जी जी सर। तो ये जहाँ भी होंगे और वहाँ तक अगर मदद मेरी पहुँची नहीं होगी तो आप बता दीजिए, मैं तुरंत करता हूँ। सर एक तो जीएसडब्ल्यू स्टील प्लांट है, ये आपका डोलभी में है, जिला रायगढ़। यहाँ सर कंपनी वाला भी कुछ नहीं दे रहा, ये लोग 150 लेबर है, भूखे सर एकदम परेशान है सर। अभी देखता हूँ। और दूसरा एक है सर, सर दे दिया जाना सर, एड्रेस लिखवा दे रहे हैं पूरा सर, नंबर दे देंगे। नहीं ये सब मुझे रायगढ़ पता है, दूसरा जी जी। दूसरा एक है सर, ये थाने पूर्वी मुंबई में है, वहाँ मेरे लेबर कुछ फंसे हैं सर। जो मसाला थाने में कहाँ पे? ये थाने में है सर, थाने पूर्वी मुंबई महाराष्ट्र में। दो तीन लोगों का नंबर है सर, पछवाड़ी कोपरी कॉलोनी। हाँ कोपरी पाखाड़ी। जी जी सर। हाँ, उसमें लोग फंसे हैं सर। हाँ, सर प्लीज सर उनका नंबर मैं बता दे रहा हूँ सर। 8097 8097 ट्रिपल फोर
हरिवंश चौधरी नाम है सर। ओके मैं अभी और सर GSW वाला का नंबर सर को बता दे रहे हैं। हाँ दीजिए। सर एक नंबर है 9609607373 एंड 888-642-642। आप चिंता मत करो। जी सर जी नमस्कार सर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।